लेकिन सुबह जैसे 5 बजे उठा तो जितने फूल उसने बाबूजी के आसपास रखे थे उससे दुगने फूल उसके आसपास पड़े थे। फूल हैरान हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो फूल वहां रख के आया था। तो जो शरणागत था, देखो कहा भक्त हृदय के वत्सल में कहा भावना रुकती है। फिर जो अर्जुन को बोध हो जाएगा वो गुरु शरण गाते गाते साधक को भी बोध हो जाएगा। जो शरणागति लेता है वो निश्चिंत होता है, बहुत आनंद में रहता है। बच्चा कितना आनंद में है, हनुमान जी कितने आनंद में है, क्योंकि भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है, संतों का एक नाम करुणा सिंधु है। जो करुणा सिंधु की शरण जाता है वो निश्चिंत हो जाता है। एक दिन एक सेवक बता रहा था कि बापूजी एक स्थान पर निवास किए और वहां बहुत मच्छर थे, तो कहा मैंने रात में धूप तो किया कि बापूजी को मच्छर न लगे, लेकिन ये जो गेंदे के फूल होते हैं बापूजी कई बार बताते थे ना कि इसको आसपास रखो तो मच्छर नहीं आते, तो बापूजी को जैसे थोड़ी आंख लग गई तो वो सेवक ने ये गेंदे के फूल जितने थे वो बापूजी के आसपास रख दिए, क्योंकि उसको लगा धूप बुझ जाएगा तो ये गेंदे के फूल तो गुरुजी के आसपास रहे। फिर वो गुरुजी के आसपास चारों ओर फूल रख के वो बाहर प्रांगण में चटाई बिछा कर सो गया। लेकिन सुबह जैसे 5 बजे उठा तो जितने फूल उसने बापूजी के आसपास रखे थे उससे दुगने फूल उसके आसपास पड़े थे। वो हैरान हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो फूल वहां रखे आया था। तो उठा तो चारों बाजू उसके फूल फूल पड़े। तो उठ के उसका नियम था तुरंत बापूजी को प्रणाम करता था। जैसे बापूजी को प्रणाम किया, बापू ने कहा अरे तेरे को फूलों से किसने सजाए रे, तो कहा बापूजी वही मैं सोच रहा हूँ, मेरे चारों ओर फूल पड़े हैं। तो कहा रात को तूने मुझे सजाया, सुबह में मैंने तुझे सजाया, पूरे फूल बापूजी ने। कहा बापूजी मैंने तो आपके आसपास फूल इसलिए रखे थे कि आपको मच्छर न काटे। तो कहा मैंने भी तेरे पास इसलिए फूल रखे थे कि तेरे को रात में भी देर से नींद आई होगी तो सुबह तेरे को मच्छर न काटे। तो जो शरणागत था, देखो कहा भक्त हृदय के वत्सल में कहा भावना रुकती है। आज प्यारा सा हमने गुणगान गाया ना भगवान का, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। कहते हैं कि जो जाल बिछाता है ना मछुआरा, उसमें मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन जो मछुआरे के चरणों के नीचे होती है वो जाल में नहीं फंसती। ये प्रकृति है आपके चारों तरफ, लेकिन इस प्रकृति का आधार है जिसको एक नाम है जगन्नाथ, बोलिए तो, इसमें भगवान का एक नाम है जगत आधार, जगत का आधार। तो जगत का जो आधार है, जो जगत का नाथ है, जो सदगुरु रूप में हमको ज्ञान की वर्षा करने आया है, ऐसों की शरणागति लेकर आप निश्चिंत हो जाए। यहां से बताया मुझे आज छोटी गाड़ी चलती है, सोलन से जाती है वो छोटी गाड़ी शिमला से, और कालरा कहाँ रुकती, कालका, वहां जाके वो गाड़ी रुकती है। तो कहा बहन जी छोटी गाड़ी है, वो छोटी गाड़ी में बैठते हैं सब लोग, लेकिन जो गाड़ी में बैठेंगे वो गाड़ी में बैठ के दौड़ेंगे कि बैठ जाएंगे, बोलो। अगर कोई उसमें दौड़ेगा तो उसको पकड़ के भी बिठाया जाएगा, भाई दौड़ क्यों रहा है तू गाड़ी में। तो कहा मुझे जल्दी पहुंचना है। तो कहा तू जल्दी तो नहीं पहुंचेगा, वो तो जब ट्रेन पहुंचेगी तू तभी पहुंचेगा, पर थकने के अलावा और तेरे हाथ में कुछ नहीं है। इसी प्रकार कई माताएं बहुत अच्छी माला करती हैं, बहुत अच्छा अनुष्ठान करती हैं, पाठ करती हैं, सत्संग सुनती हैं, लेकिन अगर मेरे से 2 मिनट भी मिलेंगी ना तो पहले पूछेंगी मेरा बेटा माला नहीं करता, मेरे पति आश्रम नहीं आते, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं है।
तो फिर मुझे लगता है कि ध्यान भजन तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी शरणागति नहीं। जब शरणागति को होगी ना, तो आप कहोगे बापूजी मैं भी आपका और मेरे परिवार भी आपका, आप सद्बुद्धि दो इनको, आप ईश्वर के रास्ते ले चलो। जो शरण गुरु की आया वो यहां सुखी और वो वहां भी सुखी। देखो तो सही कितना आनंद है संतों के जीवन में, इतना आनंद है। कहते हैं एक गांव में एक संत रहते थे पहाड़ी पर, उनके 5-7 और भी अनुयायी थे, बहुत अच्छा भजन करते थे, तृप्त आत्मा थे, ईश्वर में अनन्य श्रद्धा थी, लेकिन कभी कभी भगवान कसौटी परीक्षा ले लेता है। गांव में एक कंवारी बच्ची गर्भवती हो गई, जब गांव वालों को पता चला, गांव वालों ने उसे पकड़ के बिठाया, बता कौन इसका पिता है। उसे वो नाम बताना नहीं था, उसने पहाड़ी की ओर इशारा कर दिया। लोगों ने मनी मन ये समझ लिया कि ये जो ऊपर लोग रहते हैं संत महात्मा, इनके यहां से कुछ हुआ है, जो तो डंडे लेकर कुल्हाड़े लेकर वो ऊपर गए, और संतों को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। जो साथ में थे उन्होंने भी मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो बहन गर्दन झुकाए खड़ी थी, संत छुप हो गए। बहुत प्यारी कथा आती है शास्त्रों में कि संत उस समय गांव वालों को तो कुछ न बोले, क्योंकि उन्होंने शरणागति किसकी ली हुई थी, भगवान की। जब गांव वाले गए तो वो भगवान के पास दिया जलाकर बैठे कि ये आज क्या है, भगवान ये मेरी कौन सी कसौटी है, ये मेरे किस कर्म का मुझे आज सामना करना पड़ा। पर अंदर से आवाज आई, धैर्य रख, धैर्य रख, बोलो तो धैर्य रखो। हर काम जीवन में उतावलेपन से नहीं किया जाता, धैर्य रखो, देखो क्या ईश्वर शिक्षा दे रहा है। धैर्य रखा और गांव वालों ने निर्णय लिया, जो बच्चा होगा वो आपको संभालना है। संत ने झोली आगे की, शोधारी पर मैं महिला को नहीं रखूंगा, हाथ जोड़ता हूं, तुम गांव वाले सजा दे रहे हो, मैं ले रहा हूं, मैंने नहीं रखूंगा। बच्चा हुआ और 6 दिन का बच्चा संत को लेके, वो संत 3 बजे उठने वाले ब्रह्म मुहूर्त में, ओमकार की माला करने वाले, वो शिव की नाम की धुनि लगाने वाले संत, और 6 दिन का बच्चा उनके गोद में, जय राम जी की। तब भी मुख से यही निकला, हरि शरणम हरि शरणम। कभी बच्चे को गोद में उठाया पहले बार, किसी को बोला झूला बांधो, वो बोला हमें नहीं आता। वो पहली बार जीवन में किसी से झूला बंधवाया, वो जब करने बैठे वो रोए, कहा क्या करना है, कब पानी दो इसको। कुछ दिनों में उनके ध्यान भजन की स्थिति प्रश्न चिन्ह में आ गई, क्योंकि उनका आधा ध्यान बच्चे में जाने लगा। लेकिन रात को सोते समय फिर पूछते थे, भगवान ये कैसी परीक्षा है। तब अंदर से आवाज आई, इसमें पास होके लिखा, गाता है ना, हरि शरणम हरि शरणम। फिर तो बच्चे के कान में भी कीर्तन करते करते उसको दूध पिला। वेश से सन्यासी, हाथ में बच्चा, बड़ा अद्भुत जीवन की उनका प्रसंग था। लेकिन कहते हैं थोड़े समय कसौटी हुई, लेकिन उनकी शरणागति पक्की थी। बच्चा 6 साल का हुआ और दिव्य संस्कार सन्यासियों की, उसके ललाट पे ओमकार का तेज, वो बच्चा बच्चा न लगे, लगे कोई पुंज है ये प्रकाश का। गांव वालों को पता चला लड़का 6 साल का हो गया है, मंत्र बोलता है, भक्ति करता है, शास्त्र पढ़ता है। और वो 6 साल बाद उसकी माँ फिर से पहुंची गांव वालों को लेकर, कहा अब क्या हुआ भाई, कहा बच्चा वापस लेने आए। कहा क्यों, तो कहा ये इसका पिता है। तो गांव वालों ने कहा तो तब क्यों बोली नहीं, बोले गांव छोड़कर चला गया था, अब ये आ गया है। तब संत ने इतनी प्रेम और श्रद्धा से बच्चा
उनको हाथ में लिया, अंदर से फिर आवाज आई, अब देख क्या मन में चल रहा है। संत ने कहा भगवान आज भी वही मंत्र दो, हरि शरणम हरि शरणम। 6 साल का बच्चा महात्मा को पकड़ पकड़ के रोए, मुझे नहीं जाना है। कहा भाई तू मेरा था कब, ये देखे गई यही लेने आई। माया कई बार बड़े न्यारे खेल खेलती है, तब जो हम गाते हैं हम बोलते हैं उसमें हमारी कसौटी होती है, कि हम उसमें खरे उतरते हैं कि केवल हम गाते हैं। और महात्मा ने 6 साल का बच्चा ले लिया, वो पति पत्नी बच्चे को लेकर चले गए, गांव वालों को अपनी गलती समझ में आई, पुनः शाम को थाली सजाकर फूलों की माला लेकर ढोल लेकर पूरा समाज संत से माफी मांगने आया कि 6 साल पहले हमने बहुत कटु शब्द बोले थे, हमारी झोली में क्षमा प्रदान कीजिए। संत ने फिर सबको प्रसाद दिया और कुटिया में गए तो गाते गाते गए हरि शरणम हरि शरणम। मैं तो तब भी भगवान की शरण था और मैं आज भी भगवान की शरण हूं। बच्चा मेरे नाम से दिया गया तो शरण है, पालना पड़ा तो शरण है, वापस देना पड़ा तो भी शरण है, तिरस्कार धिक्कार दिया कलंक लगाया तो भी हर शरणम थी। आज मान सम्मान के साथ फिर जय जयकार कर रहे हो, मेरी तो भी बोलिए ना हरि शरणम। वैसे जो भक्त भगवान की शरण लेता है, जो सच्चा साधक अपने सदगुरु की शरण लेता है, वो विधि के विधान को हंसते खेलते सहता है। बोलिए विधि का विधान जान, लाभ हानि सही जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। लेकिन ये ताही विधि तब रह सकता है जो केवल बाह्य नहीं लेकिन गुरु तत्व की शरणागति लेता है, गुरु ज्ञान की शरणागति लेता है। गुरु जी मेरी अर्जी पूरी करें, गुरु जी मेरी इच्छा पूरी करें तो गुरु न, गुरु जी मेरी इच्छा न पूरी करें तो भी मेरे गुरु, और पूरी करें तो भी मेरे पूर्ण गुरु। माँ मीठा गुलाब जामुन खिलाए तो भी मेरी माँ है, और माँ मुझे कड़वी दवाई पिलाए तो भी मेरी माँ है, माँ मेरे दोनों गाल पे प्यार करे तो भी मेरी माँ है, और वो मेरा कान मरोड़े बोलिए तो भी मेरी माँ है। ऐसे जीवन में कठिन प्रसंग आए तो भी भगवान की कृपा, और जीवन में अपनी प्रसन्नता पूर्वक प्रसंग आ रहे तो भी भगवान की कृपा, गुरु की कृपा। लेकिन इन सब से ऊपर उठना हो तो उंगली पकड़ लेना ज्ञानी जनों की, और वो ज्ञानी अपनी उंगली से आपको ज्ञान की अनुभूति करवाते करवाते उस चरम सीमा पर ले जाएंगे जहां आपको अच्छा और बुरा भी नहीं दिखेगा। फिर जो अर्जुन को बोध हो जाएगा वो गुरु शरण गाते गाते साधक को भी बोध हो जाएगा कि करने कराने वाला ईश्वर है, हम लोग नहीं है। लेकिन एक इंसान को लगता है कि मैं घर चलाता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं ऑफिस चलाता हूं, मेरे बच्चे हैं, यही तो जी फंसता है।